हाँ कुलदीप जी, अभी आप कहाँ खड़े हैं और क्या यहाँ सफाई व्यवस्था है? छठ पूजा हुई है, छठ पूजा के बाद कितनी गंदगी है, क्या होगी? सफाई करने आया नहीं आया अभी तक? मैं दिल्ली के जगतपुर गांव के श्याम घाट पर खड़ा हुआ हूँ और RW अध्यक्ष हूँ यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जितने भी निगम पार्षद या कोई भी सरकारी मशीनरी, वो सिर्फ छठ से पहले पहले नजर आती है, उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंदे पन्नी वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, और यह देखो पूरा प्लास्टिक के कप, पोलोथीन सारी टोटल पड़ी हुई है, कोई सफाई करने के लिए नहीं आता। हम हर बार हर साल बोलते हैं लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार। हम फिर गांव वाले ही मिलके आपस में यमुना घाट की सफाई करते हैं, जिससे कि हमारा यमुना नदी के साथ साथ पूरा गांव भी दूषित हो जाता है। हम पूजा के लिए मनाई नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ साथ के साथ सफाई हो, डस्टबिन रखे जाए जिसमें कि सारा कूड़ा करकट उसमें डाला जाए और वो साथ के साथ उठाए जाए। तो फिर कितनी गंदगी है, कैसे, कितने ढेर लगे हैं, कहाँ का ढेर लगे हैं? आप बुराड़ी से लगा के और वजीराबाद तक चले जाइए, आपको सैकड़ों सैकड़ों इसी तरीके से आपको ढेर मिलेंगे छठ पूजा के गंदगी के। दो किलोमीटर का फसल का नुकसान है, कोई मुआवजा नहीं है, हमारी फसल कटी खत्म कर दिया। उपले लेडीज है, उपले पांच के सारे उपले खत्म।